हमारी छोटी छोटी आदतों से हमारे बड़े बड़े लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। सपोज जैसे आपकी बहुत ही छोटी सी हैबिट है कि आप कोई कबर्ड खोलते हैं, आप कोई ड्रॉर खोलते हैं और आप उसे बंद नहीं करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं माइंड में ये दर्शाता है दैट आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है किसी भी चीज़ को लेट गो करने का। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो आप उसके लिए इंस्टेंटली कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, आप कोई रिलेशनशिप एंड नहीं कर पाते हो। अगर आपकी एक सिंपल हैबिट है, अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, क्रीम यूज़ कर रहे हो, पर आप उसकी लिड को वापस नहीं लगाते हो, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक क्लटर है। आपको जो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, आपको उससे लेट गो करने में, उससे डिटैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी चीज़ को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जोड़ें तो ये दिखाता है कि या तो आपके बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स जो है वो लीब्रा साइन में, लीब्रा साइन जो है वो कहीं ना कहीं इनडिसिसिवनेस को दर्शाता है, कन्फ्यूजन को दर्शाता है, या फिर आपके चार्ट में राहु और मकरी का कोई कनेक्शन कंजंक्ट है, या फिर आपका जो राहु है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, या फिर बहुत सारे जो आपके ग्रह हैं वो वाटरी साइन में हैं। कहीं ना कहीं ये जो कंजंक्शन है वो आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को इजीली गुड बाय नहीं करने देता, आपको कोई ना कोई भी रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म नहीं करने देता, आप अपनी लाइफ में इतने ऑर्गेनाइज नहीं हो जितना ऑर्गेनाइज आपको होना चाहिए, और कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर करती है तो वो आपको एक बहुत लंबे समय तक बॉदर करती है, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, माइंड में एक रेस्टलेस पर्सन रहते हो। अगर आपका कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शन है जिसकी वजह से जो है आप कोई भी ड्रॉर खोलते हो, कोई भी वार्डरोब यूज करते हो, कोई भी अलमारी आप खोलते हो जिसको आप बंद नहीं करते हो, तो आपको अपने डेली लाइफ के एक जो पैटर्न है उसके अंदर चेंज लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपकी ऐसी आदत है तो आपको साइकोलॉजिकली कोई भी चीज जो आपने यूज करी है उसको वापस से डिसिप्लिन के साथ उस चीज को बंद करके वहां पे रखना है। साथ ही साथ जो प्लैनेटरी पोजिशंस मैंने आपको बताई हैं आप उनकी रेमेडीज भी कर सकते हो, तो आप अपनी डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी और अपने हैबिट्स के अंदर चेंज लाकर अपने प्लैनेट्स की बेटरमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हो।